हे गाइस व्हाट्स अप, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आज हाजिर हूँ। और ये मैं बेसिकली रशियन वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा था, लेकिन उससे पहले लगा कि मैं ये वीडियो अपलोड कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। इसको मैंने डब नहीं किया है हिंदी में क्योंकि ये जस्ट 51 सेकंड का वीडियो है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स है। तो ये बेसिकली कोरियन मीडिया रिएक्शन ऑन इंडियाज डीएनए वैक्सीन। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और एक टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही एडवांस स्टेप है बाय इंडियन फार्माक्यूटिकल्स। तो इसके बारे में कोरियन मीडिया का क्या रिएक्शन था और इससे रिलेटेड एक्चुअली बहुत सारे वीडियोज़ हैं और ये वीडियो बहुत ही रिसेंटली आया है, वन मंथ पहले ही आया है ये वीडियो और इसमें काफ़ी सारे व्यूज़, 2 लाख के ऊपर व्यूज़ आ गए हैं। और ये एक लीडिंग न्यूज़ आउटलेट है कोरिया की, YTN न्यूज़। और एक चीज़ तो मैंने देखा है कि चाहे वो रशिया हो या फिर साउथ कोरिया, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इंडिया को लेके कुछ ना कुछ चर्चा होती ही रहती है। कुछ नेगेटिव्स है तो कुछ पॉजिटिव्स है, लेकिन हमेशा इंडिया जो है वो सुर्खियों में रहता है वहाँ के न्यूज़ में। इस वीडियो में कॉमेंट सेक्शन जो है वो मेन है और कॉमेंट्स देख के ही मैंने ये डिसाइड किया है कि ये वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करना है मुझे, क्योंकि कॉमेंट्स में पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कॉमेंट्स है और दोनों ही मैं पढ़ के सुनाऊंगा। बट पर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेडी बहुत हुई है और इससे कोरियन लोगों की एक पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं। लोग कुछ लोग हैं जो सिर्फ रेसिस्ट साइड बोलते हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव साइड्स भी है, हर कोई रेसिस्ट नहीं है, बहुत कोई इंडिया के सपोर्टर्स भी है और ये कमेंट सेक्शन में साफ आपको दिखता है। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है वीडियो कोरियन वीडियो है, इसको अगर मैं ट्रांसलेट करके आप तक नहीं पहुँचाता तो ये नहीं पहुँचता। तो किसी को प्लीज़ करने के लिए ये कॉमेंट्स नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने भी कॉमेंट्स में इंडिया की सपोर्ट की है वो जेनुइन सपोर्ट है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। एंड कोरियंस आर एक्चुअली क्वाइट एंटरटेनिंग पीपल। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद कॉमेंट सेक्शन जो है उसको तो आप मिस मत करिए क्योंकि उसी में मेन मजा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडो에서는 정부가 12세 이상을 대상으로 DNA 기반 백신의 긴급 사용을 승인했습니다. 자이코브디라는 이름의 이 백신은 인도 제약사 자이더스 캐딜라가 개발했습니다. 플라즈미드 DNA를 활용해 스파이크 단백질에 대한 면역 반응을 자극하는 방식입니다. 또 주사바늘 대신 미국산 고속분사 주사 시스템 트로피스로 3차례 접종하는 게 특징입니다. 1차 접종 후 28일 차에 2차 접종을, 56일 차에 3차 접종을 해야 합니다. 제약사 측은 2만 8천 명을 대상으로 한 임상시험 결과 66%의 예방 효과가 나타났다고 밝혔는데 국제사회에서는 어떤 평가가 나올지 주목됩니다. YTN 조수연입니다. तो सबसे पहले बाबा यागा ने लिखा है कि डीएनए वैक्सीन लगता है ये रेसिडेंट इविल की शुरुआत है। तो रेसिडेंट इविल तो बहुत लोगों ने देखा ही होगा और इनफैक्ट जितने भी जॉम्बीज मूवी है वहाँ पे ज़्यादातर यही दिखाया गया है, इवन इन गो गोवा गॉन, कि डीएनए मॉडिफाइंग कुछ पिल लेने से उसके बाद ही कुछ म्यूटेशन हुई जिसके बाद जॉम्बी में लोग कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स जो है वो रेसिडेंट एविल और जॉम्बी से रिलेटेड है। तो बाबा यागा के रिप्लाई में इट्स ऑल टाइम ने लिखा है कि इंडिया शायद साइंस फिक्शन मूवी को सच में बदल देगा। इसके रिप्लाई में यॉर्क ने लिखा है कि इससे जॉम्बीज पैदा हो सकते हैं। उसके बाद माकू ने इस कमेंट में रिप्लाई किया है कि हमारे हाई स्कूल में तो वैसे भी काफ़ी सारे जॉम्बीज भरे पड़े हैं। सीरियसली, हाई स्कूल के ड्रामास में जैसे दिखाया जाता है कि इतने सारे रैगिंग करने वाले लोग होते हैं तो वो किसी जॉम्बीज से कम तो नहीं। उसके बाद AS ने लिखा है कि हथियार लेके तैयार हो जाओ, रेसिडेंट इविल बिगिंस। इसके रिप्लाई में GI चैंग ने लिखा है कि मैं तो ध्यान करने बैठ रहा हूँ। इसके रिप्लाई में आई गेस इट वॉज ने लिखा है कि क्या इंडियन जॉम्बीज हमें डांस करते करते फॉलो करेंगे? अच्छा, इंडियन जॉम्बीज है तो डांस करते करते फॉलो करेंगे, और अगर कोरियन जॉम्बी हुआ तो क्या हुआ? वो क्या BTS और ब्लैकपिंक के गाने गाते गाते हमें फॉलो करेंगे? Cause I'm in the star tonight. So watch me ring. उसके बाद हाफ वन ने कमेंट किया है कि जैसे ही मैंने ये न्यूज देखा तो मुझे इमिडिएटली रेसिडेंट इविल की याद आ गई, पर कमेंट सेक्शन में आया तो पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ। उसके बाद कमेंट किया है कि एस्ट्राजेनेका की इफेक्टिवनेस जो है वो 70% है, तो उस हिसाब से 66% इज क्वाइट गुड फॉर ए DNA वैक्सीन। उसके बाद के कॉमिक्स ने कमेंट किया है कि इस कोरोना काल में शायद वैक्सीन से ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट है रामेयन। तो जो कोरियन ड्रामास देखते हैं उन्हें तो पता है कि रामेयन क्या है, ये एक बेसिकली डिश है जितना मुझे पता है, और ये डेटिंग से भी रिलेटेड है क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई लड़का या फिर लड़की रामेयन खाने के लिए इन्वाइट करे किसी को तो वो बेसिकली डेट पे इन्वाइट करते हैं। ये मैंने एक ड्रामा में देखा था। तो एक हिसाब से कमेंट सही भी है क्योंकि ये जो डिप्रेसिंग टाइम्स है, यहाँ पे अगर डेट पे जाए कोई और रामेयन पे इन्वाइट करे तो इस डिप्रेसिंग टाइम में वो भी एक राहत देता है, और जब
मन जो है वो अच्छा रहता है तो डिजीजेस भी दूर रहते हैं। ये एक अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट तो हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है वैक्सीन जो है उसको आप अवॉइड करें। तो वैक्सीन लीजिए, उसके बाद रामेन खाइए जिसके साथ भी खाना है तो। उसके बाद हुनल ने लिखा है कि ये माना जा रहा है कि मॉडर्ना वैक्सीन डेल्टा म्यूटेशन के अगेंस्ट 74% इफेक्टिव है। जिसके रिप्लाई में डिजेब्लेड ने लिखा है कि कोरिया को इमीडिएटली मुस्लिम्स को खाने के लिए फूड प्रोवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। कुछ भी इसके साथ वैक्सीन का क्या लेना देना है। बट रिप्लाई जो है वो और भी फनी और इंटरेस्टिंग है। तो किलिंग टाइम ने रिप्लाई किया है इसके बाद कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाके मांगो। उसके बाद हुनल ने रिप्लाई किया है कि ये मेंटल हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग खुले में क्यों घूम रहे हैं। उसके बाद रिप्लाई आया कि यूएस, जापान, चाइना और यूरोप में जाओ, वहां पे शायद अपना ले। लेकिन उसके बाद जीबी ने रिप्लाई किया है कि तुम्हारे मूल्य बाप से मांगो। उसके बाद वाकू एम्पेरन ने लिखा है कि तालिबान के पास जाओ और उससे पूछो। उसके बाद किम डोंग वॉन ने लिखा है कि डेल्टा के अगेंस्ट 66% इफेक्टिवनेस, इसको किसी भी एंगल से हम खराब नहीं बोल सकते। उसके बाद केविन हक्सले ने लिखा है कि दुनिया की पहले डीएनए वैक्सीन, उसके बाद इंडियन फार्मा कंपनी, उसके बाद 3 doses और उसके बाद 66% इफेक्टिवनेस, इससे अच्छा तो कोरोना होना बेटर है। आ गए रेसिस्ट महाशय इंडिया को अंडर एस्टिमेट करने वाले। तो देखते हैं इसमें क्या रिप्लाई किया है। तो सबसे पहले पुकी ने लिखा है कि तुमने कभी अमेरिकन मूवीज देखी है, देर इज अ रीजन कि वहां पे डॉक्टर्स को हमेशा इंडियन दिखाया जाता है। उसके बाद WKDD ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट है, ऐसे कई सारे फील्ड्स है जहां पे इंडिया साउथ कोरिया से बहुत आगे है। उसके बाद हॉटेऑक्स ने लिखा है कि मुझे लगता है कि ये सारे अनपढ़ जाहिल लोग हैं, क्या तुम्हें पता है कि इस समय सिलिकॉन वैली में कितने इंडियंस हैं? उसके बाद लूज ने लिखा है कि इंडिया हैज गुड मेडिकल टेक्नोलॉजी। उसके बाद इंसू ली ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है और बहुत एंशियंट टेक्नोलॉजीज भी है। इसके रिप्लाई में मैसाचुसेट्स ने लिखा है कि हा हा हा, व्हाट काइंड ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, लोल। जिसके रिप्लाई में किम मिन की ने लिखा है कि इंडिया बेसिक साइज में साउथ कोरिया से बहुत आगे है। इसके रिप्लाई में हॉटेऑक्स ने लिखा है कि इंडिया की एडवांस टेक्नोलॉजी यूएसए भी मानता है, अब क्या कोरिया इंडिया को टेक्नोलॉजी सिखाएगा। उसके बाद बोआज ने लिखा है कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली डीएनए मॉडिफाइंग इंजेक्शंस लेते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको कोई और ही कंट्रोल करेगा। उसके बाद नारी किम ने लिखा है कि पता नहीं कि डीएनए वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, लेकिन अगर ये इफेक्टिव होता है तो इससे डायबिटिक पेशेंट्स और भविष्य में बहुत सारे क्रोनिक और पेडियाट्रिक डिसीज को ट्रीट किया जा सकता है। तो बोआज और नारी किम दोनों ही अपने अपने जगह में सही है, दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन एक जो है वो नेगेटिव के बारे में सोच रहा है तो एक पॉजिटिव के बारे में। तो यही टेक्नोलॉजी है, इसको पॉजिटिवली भी यूज़ किया जा सकता है और इसको नेगेटिवली भी यूज़ किया जा सकता है, बट डिपेंडिंग। और यही एज अ पीपल हम लोगों को देखना है कि सरकार जो है और गवर्निंग अथॉरिटीज जो है उनको हम टेक्नोलॉजी सिर्फ सही दिशा में यूज़ करने दे, ना कि खराब दिशा में। तो उसके बाद कोर ने कॉमेंट किया है कि एक सवाल था कि अगर आप जॉम्बी बन जाते हैं तो क्या आप उसके बाद भी एज अ जॉम्बी कर सकते हैं। हियर वी गो मैन ऑफ कल्चर। मतलब इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर धरती में एपोकैलिप्स भी आ जाए, दुनिया तबाह हो जाए, तब भी इन लोगों को बस एक ही चिंता रहेगी कि वो कर सकते हैं कि नहीं। डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, यूनाइटेड बाय ठरक। और ऐसे लोग जो है वो हर देश में ही होते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।